मान लीजिए कि आपने किसी एक कंपनी में 2 साल नौकरी की और अगली कंपनी में आपने 3 महीना 15 दिन नौकरी की, तो इनका कहना ये है कि अगर पेंशन के पैसे लास्ट महीने की सैलरी को देख के दिया जाता है, तो क्या मेरी 15 दिन की सैलरी अगर नॉर्मल सैलरी 20,000 है, तो क्या मेरी 10,000 रुपये सैलरी जो मेरे को 15 दिन में मिली है, उस 10,000 के हिसाब से ही मेरे को पूरे 2 साल 3 महीने का पैसा दिया जाएगा? आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं देखी जाती है, एक एवरेज सैलरी मान ली जाती है आपके कुछ पुरानी सर्विसेज को देख के, 1-2 महीने पुरानी सर्विसेज को देख कर आपकी एक एवरेज सैलरी मान लेते हैं और उसी हिसाब से आपको पेंशन दिया जाता है। इसमें आपका एक्चुअल जितना पेंशन अमाउंट है उसको अमाउंट को नहीं देखा जाता है, बल्कि आपकी सर्विस को देखा जाता है और उसी हिसाब से आपको दिया जाता है। तो पेंशन की कैलकुलेशन टोटली राम भरोसे है। 50% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको पूरी पेंशन मिलती है, 50% लोगों को ही जितना एक्चुअल पेंशन दिखा रहा होता है उतनी मिलती है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको ये जवाब फ़ायदेमंद लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों की और अच्छे से हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।